तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टुडे इज 12th, राइट। तो अपनी डेट लिखते जाया करना अपनी कॉपी पे, राइट, 12th मई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ओवरीज ये देखती थी। इट हैज टू ओवरी, ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस एज वेल एज इट इज कनेक्टेड विद फेलोपियन ट्यूब्स ऑल्सो बाय लिगामेंट्स, राइट। ये क्या है? ये लिगामेंट्स है। पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ये जो है दीज आर ओविडक्ट्स। दीज ओविडक्ट्स ओपन्स इनटू द कैविटी ऑफ द यूट्रस, दिस इज यूट्रस। लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, सर्विक्स ओपन्स इनटू सर्विकल कैनाल, देन वेजाइना, एंड देन देयर इज जेनिटल पोर्ट या विजाइनल ओरिफिस, ठीक है। सर्विकल कैनाल एंड विजाइना टूगेदर दे फॉर्म द बर्थ कैनाल। बच्चा जो है, बच्चे के लिए एग जो है, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, एग फीमेल गैमेट यहां बना, यहां से फीमेल गैमेट कैविटी में आया, सीधा फेलोपियन ट्यूब्स में नहीं आया, कैविटी में आया। कैविटी से फिर यहाँ पे एक अपर्चर होता है ऑस्टियोल, उसके थ्रू फेलोपियन ट्यूब्स में किया, ठीक है। दिस इज ओवरी, दीज आर इम्ब्रिया, दिस इज इम्पेंडिबुलम, ampulla, isthmus, and this portion of the fallopian tubes, this is uterine part, this is cavity of uterus. ये जो इनफोल्डेड वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, दिस इज, ये जो है, दिस इज मायोमेट्रियम, एंड ये जो बाहर वाली वॉल है, दिस इज एपीमेट्रियम या पेरिमेट्रियम भी कह सकते हैं, ठीक है। यूट्रस का ये जो डोम शेप्ड पार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक है जी। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पेल्विस में प्रेजेंट है। पेल्विस कहाँ? मैं दोबारा से बताती हूँ कि ये जो है हमारी, जो दिस कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी, जहां पे क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है? डायाफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी को लिमिट करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, वेयर स्टमक इज प्रेजेंट, लिवर इज प्रेजेंट, इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट, राइट, ये सब। और फिर
लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ दैट इज यू नो दैट यूरिनरी ब्लैडर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो सारा और सर्विक्स वगैरह जो है वो सॉरी नॉट सर्विक्स आई एम सॉरी रेक्टम जो है वो पेल्विस में, मैं अभी बताती हूँ. तो पेल्विक कैविटी इज द लोअर पार्ट ऑफ द यू नो एब्डोमिनल कैविटी. व्हाट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, ये देखिए जरा. ये जो हमारा है दिस इज पेल्विस ऑफ द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पेल्विस. ये पेल्विक कैविटी का पार्ट है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये हमने एक तरफ से काटा. ठीक है, हमने इस साइड से साइड में से हमने सेक्शनल व्यू जो है वो काट के देखा तो हमें क्या कुछ नजर आया. तो सबसे पहले तो ये पोर्शन है, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, और पीछे जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. आप ये देखो कि अगर हम इस तरफ से काट के ऐसे साइड में से काटेंगे तो सबसे पहले हमें पीछे क्या नजर आएगा, वर्टिब्रल कॉलम. उसके आगे वर्टिब्रल कॉलम ये है, ये हमारी पीठ है, ये वर्टिब्रल कॉलम है. इसके आगे हमारा क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. तो पेल्विक कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज योर रेक्टम. राइट, और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रोडक्टिव. आप लेयर्स देखिए जरा पेल्विस की, पीछे मतलब ये स्किन वाला पोर्शन, ये हमारी पीठ वाला पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ पे इसके आगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट है, दैट इज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. डू यू गेट मी. तो सबसे पहले हमारा ये आ जाता है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रा नजर आ रही है. उसके बाद ये रेक्टम है, रेक्टम इज ओपन आउट थ्रू एनस, ये एनस वाला रीजन है. उसके बाद अगर आ जाए देन देयर इज प्रेजेंट यू नो दिस इज यूट्रस, ओवरी जो है उसके पीछे वाली साइड पे है. ये यूट्रस की कैविटी है, ये यूट्रस की वॉल. यूट्रस की कैविटी अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो बहुत नैरो होती है. ठीक है, उसकी वॉल ठीक है बट यूट्रस की कैविटी बहुत ही नैरो है. सो दैट इज कैविटी ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज यू नो सर्विक्स. सर्विक्स इज ओपनिंग इनटू वजाइना और फिर ये वजाइनल ओरिफिस. ओरिफिस का मतलब वजाइनल अपर्चर है. इसके आगे क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके आगे प्रेजेंट है हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर. This is urinary bladder. ये this one is urethra. और ये जो है this is urethral orifice. All these apertures opens in the two folds of skin that are called as labia minora एंड लेबिया मेजरा. दो फोल्ड है स्किन के जिसके बीच में ये सारे अपर्चर्स मतलब हमारा वजाइनल ओरिफिस एज वेल एज हमारा यूरेथ्रल ओरिफिस दोनों खुलते हैं. ये कौन सा, दैट इज जो ऊपर वाला छोटे वाला है दैट इज लेबिया माइनरा, और उसके बाद जो बड़े वाला उसके बाहर जो एक फोल्ड ऑफ स्किन है दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजरा. There is another structure, there is another protuberance in front of urethral orifice that is called as clitoris. It is, you know, it is homologous to penis, penis of human male. मतलब external genitalia हम इसको female में कह सकते हैं, although it has no function. Is it okay? तो जो vaginal orifice है बेटा इसके ऊपर, यहाँ पर हम दिखा तो नहीं रहे बट इसके ऊपर एक when the female is born there is a membrane called as hulmen. ठीक है, generally पुराने लोग ये कहते थे कि जब copulation होती है male female में
देन दिस वेजाइना दिस हाइमन इज रप्चर्ड, बट ऐसा नहीं है क्योंकि दिस हाइमन गेट्स रप्चर्ड व्हेन द गर्ल चाइल्ड फॉल, या जब साइकिलिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, कुछ एक्सरसाइजेस कर रही है, द हाइमन कैन बी रप्चर्ड। ये नहीं है कि ये जो है सिर्फ पॉपुलेशन के टाइम ही रप्चर होती है, ऐसा नहीं होता, राइट? एंड ये जो है दिस इज प्यूबिक सिंफाइसिस, प्यूबिक सिंफाइसिस ज्वाइंट होता है, राइट? ये सेक्शन काटा है तो हमें ऐसा नजर आया है, इट इज ए ज्वाइंट बिटवीन, यू नो किसके बीच में ज्वाइंट होता है प्यूबिक सिंफाइसिस, बिटवीन पेल्विक गर्डल एंड द वर्टिब्रल कॉलम। ये आपने +1 में किया हुआ है, राइट? थोड़ा सा समझ में आया कि क्या है ये जो पोर्शन है, दिस इज द एक्सटर्नल पोर्शन, ये जो बाहर वाला पोर्शन है। टू फोल्ड ऑफ स्किन, इनर फोल्ड इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा एंड आउटर फोल्ड इज कॉल्ड एज लेबिया मेजरा। इसके बीच में तीन चीजें नजर आती है, एक तो ये फोल्ड नजर आता है, दैट इज योर क्लाइटोरिस, एंड दिस क्लाइटोरिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज होमोलोगस टू द पेनिस, बट फंक्शन कुछ नहीं है। उसके बाद देन देयर इज प्रेजेंट, यू नो दिस इज यूरेथ्रल ऑरिफिस, और उसके पीछे जो है देन देयर इज विजाइनल ऑरिफिस। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द पेल्विस इन फीमेल। एंड इसमें अगर हम वैसे देखें डायग्रामेटिक व्यू, हम बाकी सब हटा दें और फिर देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज है, कैसा नजर आता है, अगर हम ये आगे से काटें, बाकी सब चीजें रिमूव करते जाएं और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें, तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो है क्या प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ ओवरीज है, देन वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स है, और बीच में छोटी सी यूट्रस है। बहुत बड़ी नहीं होती, बड़ी किस टाइम होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब उसमें बच्चा बन रहा है तब वो बहुत एनलार्ज हो जाती है, ठीक है? दिस आई हैव ड्रॉन हियर। तो ये आपने दोनों डायग्राम, पहले ये दिस इज सेक्शनल व्यू ऑफ, यू कैन सेक्शनल व्यू ऑफ पेल्विस ऑफ ह्यूमन फीमेल, और ये आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले ये बना लो फिर ये बना लो, ताकि मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ये वाला। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू नो योर मेमोरी ग्लैंड, और ये जो थोड़ा सा डार्क कलर्ड पिगमेंटेड एरिया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एरियोला। साइज ऑफ द ब्रेस्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्लैंडुलर पार्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैटी टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, राइट? सो इट कंसिस्ट ऑफ, अगेन इट इज सपोर्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड यू नो रिब्स, देन देयर इज प्रेजेंट फैटी टिश्यू, ग्लैंडुलर पार्ट विच सिक्रीट मिल्क, देन दीज इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई भी प्रेजेंट है विच सिक्रीट, यू नो इनके बीच में जो स्पेसेस है दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलस विच स्टोर मिल्क, ठीक है? देन मिल्क इज पास फ्रॉम एल्वियोलस इनटू, यू नो दीज आर मेमोरी डक्ट्स, फ्रॉम मेमोरी डक्ट्स दे आर प्रेजेंट, दे पासेस इनटू एम्प्यूला, फ्रॉम द एम्प्यूला इट पासेस इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट द मिल्क इट कम्स आउट थ्रू निप्पल, टू स्मॉल पोर्स इन द निप्पल। द पिगमेंटेड पार्ट अराउंड द निप्पल is called as, you know, this is called as areola. Is it okay? ठीक है जी, तो ये बना लो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। तो जैसे अभी आपने बनाया है वन पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, इनको हम ओविडक्ट्स भी कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज साल्पिंग्स। देन थर्ड इज सिंगल यूट्रस और मिट्रियम और वोम। देन देयर इज प्रेजेंट सर्विक्स, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन देयर इज प्रेजेंट वेरियस ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन सी है ये देखो जरा, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स एंड दूसरी ग्लैंड्स आ जाती है मेमोरी ग्लैंड। ध्यान से पहले बेटा इधर देखो, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स में कौन कौन सी आ जाती है, इट इज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, एंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये सारा मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। लिख लो फिर फटाफट से। यहां थोड़ा सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स लिख लो, दैट इज मॉन्स प्यूबिस क्लाइटोरस लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजरा। ठीक है बेटा, हो गया? Yes, ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ओवरीज का स्ट्रक्चर अगर हमने सबसे पहले करना है। ओवरीज, ओवरीज क्या है बच्चे? दीज आर द, ध्यान से सुनो, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स।
why these are called as the primary sex organs in females? Because they produce gametes. Okay? As they produce female gametes or eggs. Right? Size likh lo iska. Ovaries jo hai, 2 to 4 centimeter in length. Size of ovaries, 2 to 4 centimeter in length. ठीक है जी, तो जो ओवरीज है, these are attached to uterus by ovarian ligament. दो लिगामेंट्स है, एक है ओवेरियन लिगामेंट, एक हो जाता है ब्रॉड लिगामेंट एंड अनदर इज मेसोवेरियन. क्या तीनों में क्या फर्क है? ओवेरियन लिगामेंट जो है विद विच इट इज अटैच्ड टू द यूट्रस, अटैचेस ओवरी विद यूट्रस. लिगामेंट क्या होता है? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ब्रॉड लिगामेंट इट अटैचेस ओवरी विद फैलोपियन ट्यूब्स. इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू. लिगामेंट ब्रैकेट में लिख लेना, कनेक्टिव टिश्यू. मेसोवेरियम इट इज द एपिथेलियम, और हम इसको क्या बोल देते हैं, पेरिटोनियम. विच जॉइंट्स ओवरीज विद बॉडी वॉल. दैट इज कॉल्ड एज मेसोवेरियम. डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम हम कहते हैं, एपिथेलियम है विच कनेक्ट्स विच जॉइंट्स. ऐसी नहीं कि ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अंदर फ्लोट करता रहेगा, कहीं को भी चला जाएगा, नहीं. वो बॉडी वॉल के साथ जॉइंट है, अपनी जगह पर रहता है. एंड व्हाट विच टिश्यू जॉइंट्स ओवरीज विद द बॉडी वॉल, दैट इज कॉल्ड एज मेसोवेरियम. जो ओवरीज है This is ovary. मैंने आपको बताया है 2 to 4 centimeter in length. It is lined by ये कौन सी epithelium है? This is called as cuboidal epithelium, called as germinal epithelium. It is lined by, लिख सकते हो आप साथ साथ, it is lined by cuboidal epithelium called as germinal. Epithelium. Right, which divides to form the, पहले ये mitosis करेगी, फिर ये मियोसिस करके गैमेट्स बनाएगी, राइट. एंड बीनीथ द एपिथेलियम इज प्रेजेंट ए कनेक्टिव टिश्यू.
defined as tunica albuginea. Mama, इससे पहले क्या कहते हैं? Divides to form the divides to form germ cells. पहले divides by mitosis to form the germ cells, which undergoes meiosis. Which undergoes meiosis to form the female gamete. Next step, beneath germinal, beneath matlab iske niche, beneath the germinal epithelium, there is present a layer of connective tissue called as tunica albuginea, जहां पे blood vessels present है, जहां पे बाकी का connective tissue present. Inside the ovaries is present ovarian stroma. अंदर क्या present है? Ovarian stroma. मतलब ground tissue of the ovaries. Bracket में लिख लो ovarian stroma क्या है? Ground tissue of the ovaries. The peripheral layer of ovarian stroma is called as cortex and central is medulla. The peripheral part of the ovarian stroma is called as cortex and central part is called as medulla. अब बेटा ये germinal cells जो है ये divide करते हैं. उओगोनिया बनाते हैं. उसके बाद ये उओगोनिया एक उओगोनिया बड़ा हो जाता है और इसके यहां पे बेटा बहुत सारे सेल्स होते हैं. इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स. ये एनलार्ज उओगोनिया है जिसको हम कहेंगे प्राइमरी ओओसाइट. दिस इज ये इस स्ट्रक्चर को कह दिया प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के बाद जेनेटिक कॉम्पोजिशन में मैं आपको बाद में बताऊंगी. दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल. उसके बाद ये सारी हम बताएंगे आपको टर्शियरी फॉलिकल. फिर बनता है
बहुत बड़ा फॉलिकल बन जाता है, जिसको हम क्या देते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। ये सब फॉलिकुलर सेल्स है। ये एग है और ये स्ट्रक्चर आ जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, जिसमें क्या, दिस इज ओवा। ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर एग जो है, ओवा जो है, ये बाहर रिलीज कर देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और ये है रप्चर्ड फॉलिकल। दिस रप्चर्ड फॉलिकल चेंजेस इनटू यू नो अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। राइट, ये डिफरेंट स्टेजेस है एग के डेवलपमेंट की, कैसे एग डेवलप होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ये क्या है, इट्रिटिक फॉलिकल जो डीजेनरेट हो रहे हैं, इट्रिटिक फॉलिकल। तो दिस इज यू नो this is internal section internal structure of ovum। again मैं तुम्हें बता रही हूं मैंने क्या लिखवाया है कि ovary का size वगैरह लिखवा दिया। ovary is lined by cuboidal epithelium called as germinal epithelium। beneath the germinal epithelium is present a connective tissue called as tunica albuginea। below and inside the ovary there is present ovarian stroma। ovarian stroma, the peripheral layer of ovarian stroma is called as cortex and the central is called as medulla। फिर next point लिख लीजिए, in the ovaries there are present millions of follicles which are formed during na likh lo, which are formed up to 7th month of gestation, which are formed up to 7th month of embryonic life, aap kar lo embryonic life of female fetus। no more follicles or oogonia are formed after birth। next point hai, At the time of birth of female child, its each ovary consists of about 1 lakh primary follicles। 1 lakh primary follicles।
their degeneration starts. Their degeneration starts from the time they are formed. They are formed, but it is very slow. मतलब सेवंथ मंथ के बाद इनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है फ्रॉम द टाइम दे आर कंप्लीटली फॉर्म्ड, जब सारे बन जाते हैं. दैट इज व्हाई, बट देयर फॉर्मेशन, बट देयर डीजनरेशन इज वेरी स्लो. This process of degeneration of follicles is called as atresia. Is called as atresia. So that at the time of puberty, each ovary is left with 60,000 to 70,000 primary follicles. Each ovary is left with 60,000 to 70,000 primary follicles in each ovary. जो primary follicle है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है? इट हैज प्राइमरी ओवोसाइट सराउंडेड बाय ग्रेन्यूलोसा सेल्स. सराउंडेड बाय फ्यू लेयर्स ऑफ granulosa cells. This is primary follicle. Granulosa cells are the cells, yahan pe likh lo, which are formed by ovarian stroma. नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. हैज द ओवोसाइट नाउ जो फॉर्म बाय ओवेरियन स्ट्रोमा. सेकेंडरी फॉलिकल, ये सारी मैं आपको ग्रेन्यूलोसा सेल्स की बना दिखा रही हूँ. Secondary follicle has the oocyte with more layer of granulosa cells and a small cavity. Secondary follicle has more layers of granulosa cell and a small cavity. In tertiary follicle,
नेक्स्ट आ जाइए इन टर्शरी फॉलिकल द कैविटी गेट्स एनलार्ज फॉलिक्यूलर कैविटी कह देते हैं हम आप लास्ट वाला रिपीट कर दोगे सेकेंडरी फॉलिकल हैज मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड ए स्मॉल कैविटी follicular cavity or also called as antrum. Next आ जाता है बेटा tertiary follicle. Tertiary follicle. Tertiary follicle में क्या होता है antrum gets enlarged. Antrum gets enlarged and gets filled with fluid and gets filled with fluid. Next हम आ जाते हैं Graafian follicle. Next is Graafian follicle. It is mature follicle. यहां पे देखो this is secondary oocyte ये मैं बताऊंगी primary oocyte secondary oocyte I will tell you but ये secondary oocyte है it is surrounded by a layer of mucopolysaccharides लिख लो in Graafian follicle the secondary oocyte इस सराउंड डायग्राम बाद में बना लेना लिख लो सेकेंडरी ओओसाइट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स केमिकल है ये सेल्स नहीं है ये एक सेल है इस सेल को एक केमिकल ने एनक्लोज किया गया है विच इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिटा Next है the granulosa cells surrounding the oocyte becomes spindle shaped The granulosa cells surrounding the oocyte becomes spindle-shaped and forms another egg membrane called as Corona radiata. Corona radiata. Some of the follicular cells. Granulosa या follicular cells एक ही बात है Some of the follicular cells forms a stalk
forms a stalk-like structure called as cumulus oophorus. The fluid-filled cavity is called as antrum folliculi. The granulosa cells gets modified. The granulosa cells on the outer side gets modified into inner theca interna and outer theca externa. Inner theca interna and outer theca externa. This is the mature Graafian follicle. ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो. It is the Graafian follicle which is formed each month. In one of the ovary. After puberty, Next, एक और point इसमें, the growth of primary follicles into Graafian follicles, occurs after puberty only. ठीक है जी? तो ये किसका structure है? This is Graafian follicle. ठीक है, जो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स है दे फॉर्म थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. ये देखो, ये सारे ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, इनके दे आर ये सारे क्या है, ये सारे ग्रेन्यूलोसा सेल्स है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना. ऑल्दो ये भी मॉडिफिकेशंस फॉलिकुलर सेल्स की ही है. ठीक है, तो बट ये क्या प्रेजेंट है, हम कहेंगे थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट आउटसाइड ग्रेन्यूलोसा सेल.
इज इट ओके? ये बनाओ जरा जल्दी से, दोनों का स्ट्रक्चर, ओवरी का भी और इसका भी, ग्रेफियन फॉलिकल का। एक बार दोबारा से, एक बार पूरी प्रोसेस सुन लो कि ओवरीज जो है तकरीबन फीमेल फीटस में फिफ्थ मंथ में बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ओवरीज में क्या बना, सारा स्टोमा वगैरह बना और उसमें क्या बनना शुरू हो गया, ओओगोनिया बहुत सारे बन गए। फिर ओओगोनिया ने क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल सेवंथ मंथ तक बनते जाते बनते थे किस स्पीड से बने, तो जब बर्थ हुआ तो तकरीबन हर ओवरी में 1 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स थे। चुप करके वो बैठे हैं प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजर हॉर्मोन्स रिलीज हुए, उन्होंने पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी में एफएसएच सिक्रीट किया, एफएसएच ने प्राइमरी फॉलिकल्स पे एक्ट किया, बट सिर्फ जो है इतना ही एफएसएच सिक्रीट होता है ताकि एक ही प्राइमरी फॉलिकल एक महीने में मैच्योर होकर क्या बना सके, ग्रेफियन फॉलिकल बना सके। 1 मंथ में, ये पूरी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, 1 मंथ में एक प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल, और रप्चर होकर एग निकल जाता है। फर्टिलाइजेशन हुई तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से फिर नेक्स्ट मंथ फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोफिन एंड सेक्स हॉर्मोन्स। गोनेडोट्रोफिन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय ओवरीज देमसेल्फ। ये भी हम हॉर्मोन्स का आपको बताएं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरीज का और इसमें मच्योर ये ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, ओके। प्राइमरी फॉलिकल दोबारा से बता रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल सारे के सारे बर्थ से पहले बन जाते हैं, बर्थ के बाद कोई प्राइमरी फॉलिकल ऐड नहीं होता। इनफैक्ट वो जितने बने हुए हैं उनकी डीजेनरेशन चलती रहती है, राइट। प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी और मीनोपॉज के बीच में जितना टाइम है, हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है। इज इट ओके? ठीक है, अब ये बना लो। बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, है ना। आज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अभी हमने ओवरीज की है, ठीक है। आप बना लो आराम से, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी एंड नेक्स्ट टाइम हम आगे से शुरू करेंगे ऑन फ्राइडे। मेरा तो हो गया। ओके बेटा।